नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मां आया वहां जो मेजबान शकील सुमरो। नाजरीन हुकूमती पीटीआई ट्रेजरी बेंच के बिन बिलन में कौमी असेंबली में मुखालिफ धुर जे आडो शिकस्त खाणी पई आए। 104 जे मुकाबले में मुखालिफ धुर 107 जके मेंबर आयन उनन बिनी बिलन के जको आए वो रिजेक्ट कर छड्यो आए। सुभाणे कौमी असेंबली सेनेट जो गडियल जको आए वो इजलास घुराए वयो आए। मुखालिफ धुर जो चवण आए त पीटीआई सरकार पंहिंजो मैंडेट विञाए चुकी आहे। महंगाई जी जेका वधंदड़ सूरत आहे, पेट्रोल खां पोइ बिजली जे अघन में हिक दफ़ो ॿीहर 2 रुपया 45 पैसनि जी वाध कई वई आहे। उन सां गॾोगॾु शौकत तरीन जो इहो बि चवणु आहे त ईंदड़ 6 महीननि जे लाइ वधीक महांगाई जेका आहे उहा ॾिसणी पवंदी। यानि पेट्रोल जे अघन में अटे गिह आम वाहिपे जूं जेके शयूं आहिनि उन्हनि में बि वाध ईंदी। महांगाई जो इशू हुजे या क़ौमी असेंबली में बिलनि में जेका पीटीआई सरकार ट्रेज़री बैंक खे शिकस्त थी आहे, अॼु असांजा 2 अहम मौज़ू आहिनि। ऐं असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे पीटीआई जे अॻुवान मंसूर शेख साहिबु, पाण अॻूणा सलाहकार बि रही चुका आहिनि सैयद अब्दुल्ला शाह जा ऐं पीपल्स पार्टी जा हिन खां पहिरें अॻुवान रही चुका आहिनि। टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जी अॻुवान पीपी जी MPA सादिया जावेद साहिबा। शुरू कयूं था सादिया जावेद साहिबा खां। जी सादिया, इस्लामाबाद की तरफ अब देखते हैं तो कौमी असेंबली में ट्रेजरी बेंचेस यानी पीटीआई को 2 बिलों में शिकस्त हुई है। दोनों बिलों में 104 के मुकाबले में 107 वोटों से उनको रिजेक्ट किया गया है। अब कल कौमी असेंबली और सेनेट का ज्वाइंट सेशन जो है वो बुलाया गया है। आप कैसे देखती हैं पीटीआई की जो ट्रेजरी बेंचेस को ये पहली दफा शिकस्त हुई है 2 बिलों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पहली बात ये कि कल कौमी असेंबली और जो मुश्तरका इजलास बुलाया गया था वो मुलतवी कर दिया गया है जी। क्योंकि पीटीआई के अपने इत्तेहादियों और कुछ MNAs ने जो बिल लाने की कोशिश की जा रही थी, EVM के जरिए जो इलेक्शन चोरी कराने की कोशिश की जा रही थी, उस पर वोट करने से इनकार कर दिया। तो पहले तो आपके लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कल इजलास होगा, तो मैंने आपको इसलिए अच्छा। दूसरी बात ये है कि जो कल हुआ उसके बाद जवाब खत्म हो गया है पीटीआई की हुकूमत के पास, इमरान खान के पास। उनको फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए क्योंकि वही दर्ज देते थे ना अखलाकियात का, मॉरल ग्राउंड का, इस्तीफा दो, इंक्वायरी कराओ और फिर वापस आ जाओ। तो अब कल तो उनको शिकस्त हुई है, वाजे तौर पर शिकस्त हुई है। जो हुकूमत कौमी असेंबली में पिछले 15 दिन से कोरम नहीं पूरा करने पा रही, तो इसका मतलब ये है ना कि वो अपनी अददी अक्सरियत खो चुकी है, उसके मेंबर्स उसके साथ नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तो अभी शुरुआत है, और क्योंकि जाहिर सी बात है जो खान साहब कहते थे वो तो उन्होंने पूरा कर दिया ना कि मैं आपको रुलाऊंगा, तो उन्होंने आवाम को तो रुला दिया है ना। पेट्रोल की जो मेरी इत्तला है कि इस 15 तारीख को फिर 11 रुपए बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि जब दुनिया में एनर्जी के जराए महंगे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हर चीज महंगी हो जाती है। तो जो हालात हैं इस वक्त इस मुल्क के, तो मुझे लगता है कि फ्रेश मैंडेट के लिए कॉल होनी चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, और खान साहब अददी अक्सरियत भी खो चुके हैं। अच्छा, ये जो दो बिल में हुकूमती पार्टी को शिकस्त हुई है, तो क्या अपोजिशन की पार्टीज का, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, कोई अदम एतमाद की तहरीक लाने का इरादा है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ? देखें, जो जो बात मेरे चेयरमैन साहब ने कल भी तो पीपल्स पार्टी की उस हिकमत अमली को जो वो पहले दिन से कह रहे थे कि हम इनको अददी तौर पे शिकस्त दे सकते हैं, और नून लीग उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, वही पॉलिसी अपनाई है, तो कल अददी शिकस्त हुई है। और मेरा ख्याल से कि अगर वो तहरीक अदन एतमाद लाई जाएगी तो इस वक्त पीटीआई की जो बेसाखियों पे खड़ी हुकूमत है वो गिर जाएगी, क्योंकि बेसाखियां भी तो खींचने वाले पीछे से हट गए ना, जो बेसाखियों पे चला रहे थे।
आज आज और कल की हालात से तो यही लग रहा है ना, जिन्होंने बेसाथियां पकड़ी थी वो भी पीछे से हट गए। जी मंसूर साहब, कौमी असेंबली में बिल हुकूमती जैसे आम तौर पर बिलन में शिकस्त थे थी तो ये सवाल उथन था मैंडेट विञाए वेठा आयो ए डिमांड्स थे थी अपोजिशन पार्टी तरफा तो इस्तीफा दिनी वे अदम एतमाद की तहरीक भी आने सकज थी हि जो सादिया जावेद गाल कई तो जो बेसक अखियन वाली है वह बेसक अखियं भी जन सहारो जो वो हट जो है चवंदव सादिया के लिए। तो पहले मैं ये कहूँगा कि दिल के बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, खुशफहमी में रहना ये इंसान की फितरत में शामिल है। हाँ गाल ये तो जैसे अददी अक्सरियत असा वा यो पे दफो को इन ही सिंध असेंबली में थो इन ही कौमी असेंबली में थो हुकूमत में थो की हुकूमत में अस कदें यो क्लेम न किया तो असि टू थर्ड मेजॉरिटी है या असि सिंपल मेजॉरिटी से अस हुकूमत चाही है, ठीक है न असि कोलिशन गवर्नमेंट है जिस कोलिशन पार्टनर आन जी समझन था तो अस अददी अक्सरियत विञाए चुका आयो तो इस्तीफा की डिमांड छो था कन, ये गैर कानूनी डिमांड छो था कन, गैर आइनी डिमांड छो था कन, चले तो मैंडेट पंजन सालन जो आहे तो इस्तीफा घुरण गैर कानूनी गैर आइनी है। हा जेकर असा अददी अक्सरियत विञाए चुका आयूं तो तुम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आणो जैसे तुम वट यो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जैमें तक निंदो भी न वो क्रिटिसिज्म भी नो जो कानूनी इखलाकी आइनी जवाज हों तो बाबा गवर्नमेंट पाँगी अक्सरियत विञाए चुकी है असा उन्होंने अददी अक्सरियत जमहूरियत चो इन के है तुम जैसे बेनजीर भुट्टो साहब के वक्त में डिमांड है वो भी ताजो गैर आईनी है, गैर आईनी है ना मैंडेट पंजन साल जो सिर्फ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो आईना मिसेस मार्गरेट थेचर एकड़े वोट था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में क्यों उन्हें पांजो मैंडेट पूरो क्यों 89 में बेनजीर भुट्टो साहब के वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में था थियो ताजो बलूचिस्तान में दिसो बलूचिस्तान में जो सो उन पेश कियो चीफ मिनिस्टर समझो मां अददी अक्सरियत विञाए चुको आया उन इस्तीफा पेश कियो, ठीक है ना। गाल इया है तो तां इन खुशफहमी में न रहो तो गवर्नमेंट पांजी अददी अक्सरियत विञाए चुकी है असांखे अददी अक्सरियत आहे यो जमहूरी तरीको आहे हुकूमत करण जो बाकी अपोजिशन यो पांजो शौक पूरो करे दिसे ही एकड़े दिन गड्या है ना ही तां दिसो ना अख बूट तो पान सा एक बे रखन हि तो गवर्नमेंट लाई जो ढी मलाई आइसक्रीम है जो पान ही पेज से ना कदें गडजन था कदें एक बे का धार था थन कदें इल्जाम हाँ तुम साध्या बीबी जो गाल उन अगेन नवाज लीग से क्रिटिसिजम भी क्यों, ठीक है ना। गाल इहा आहे त बाबा पहिरियों तव्हां पाण में ॿधी कंदव त ॿिए खे मल मारींदव तव्हां ॿधी पोइ बि तव्हां मल मारण जी पोज़ीशन में न आहियो, ठीकु आहे न। ॻाल्हि इहा आहे त तंहिं करे इन्हनि खे बाक़ी जेसि ताईं महांगाई जो तालुक़ु आहे तव्हां ॾिसो जॾहिं असां रिलीफ ॾिनोसीं 30% जो त ॻाल्हि उन वक़्तु असां हिननि वांगुरु जेको आहे न मैनेज कोन कयो आहे डॉलर खे इन्हनि वांगुरु कागज़नि में हिकिड़ी ॻाल्हि लिखी ऐं जेके ग्राउंड ते ॿियूं ॻाल्हियूं आहिनि लिकायो न वियो आहे। असां चऊं था त जेके जेके हक़ीक़तूं आहिनि उहे आवाम खे क़बूल करणी पवंदियूं। हा असां क्रेक डाउन कयो आहे जेके खंड कणक अटे जेके बि ज़खीरा अंदोज़ी आहे जेके हथ सां क़ीमतूं वधायूं आहिनि उन्हें तो क्रेक डाउन शुरू किया है। ऐसा सिंध गवर्नमेंट के भी रिक्वेस्ट किया है। सादिया साहिबा, इनका कहना है कि गैर आइनी जो है वो एफर्ट न किए जाए, अगर हमने मैंडेट लॉस किया है तो ऑप्शन है आप अदम एतमाद की तहरीक में जाए वो मूव करें, लेकिन ये डिमांड इनका कहना है कि गैर आइनी है कि अर्ली इलेक्शन कराए जाए प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें तो आप मूव क्यों नहीं करते अदम एतमाद की तहरीक जब ये दो बिलों में देखिए वो जाहिर सी बात है चेयरमैन साहब उसका फैसला करेंगे वो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कौमी असेंबली में मुश्तरका जो अपोजिशन है वो इस बात का फैसला करेगी। लेकिन इस्तीफे की डिमांड तो इमरान खान ने सिखाई है, कंटेनर पे खड़े होके सिखाई थी हमें इस्तीफा दो,
ट्रेन का हादसा हो जाए, वजीर इस्तीफा दे जो अपने दौर में नहीं अमल किया, तो अगर वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था, तो फिर तो वो इनका लीडर करता था। अच्छा, दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, तो अगर इनके पास अक्सरी अदद पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, आज जो दोपहर में खाना खिलाया था गवर्नमेंट पार्लियामेंटेरियंस को, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वोट डालो जिहाद समझ के, तो वो जिहाद क्यों कैंसिल कर दिया कल सुबह का? अगर अक्सरियत पूरी है, सब कुछ पूरा है, इत्तेहादी साथ खड़े हैं, हमसे ज्यादा तो बड़ी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है ना ये पीटीआई की, जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 से 2013 तक चलाई थी, उसमें उतनी बड़ी तो कोलिशन नहीं है ना ये, तो अब खान साहब के इत्तेहादी क्यों उनको छोड़ के चले गए? अगर बेसाखियां इनके पास हैं, तो वो बेसाखियां जो दो कोलिशन है, जो टीवी इत्तला दे रहा है, मुझे नहीं पता कि अंदर से यही खबर है कि दो इत्तेहादी जमातों ने इनकार कर दिया है कल जो बिल पेश करने थे इलेक्ट्रोल वोटिंग, तो वो बेसाखियां ही तो थी ना, तो वो बेसाखियां खिसक गई है ना जब ही उन्होंने इनकार किया है। और दूसरी बात ये कि कोई गैर कानूनी और गैर आईनी डिमांड नहीं है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो अदर, और अगर नहीं तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना, वो तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसी दिन खो चुके थे जिस दिन यूसुफ रजा गिलानी को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इलेक्ट किया था एज सेनेटर, वो तो उसी दिन अपनी अदद बर्तरी खो चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जालसाजी के जरिए वो किया, पूरे कौम को पता है, सबको पता है। तो और जो महंगाई की बात है, ये इन्होंने वो सारे बैरियर्स क्रॉस कर दिए हैं, और अब वो क्यों हटाया गया, मेरा आपसे भी सवाल है, आप मुझे मीडिया वाले बताएं कि वो जो सोशल मीडिया पे ओवरसीज पीटीआई वालों से रिकॉर्ड करके डलवाया जा रहा था कि दुनिया में महंगाई है, दुनिया में महंगाई है, अगर वो दुनिया में महंगाई थी तो अब वो पीटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से क्यों हटा दिया गया है? दुनिया में महंगाई हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन वहां जो लोगों का पर कैपिटा है या डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं, जो जिस उसमें पेमेंट की जाती है, तो फिर खान साहब हिम्मत करें, फिर पाकिस्तानी कौम को भी उन्हीं पैसों में अदायगियां करें, या हमारी परचेजिंग, परचेजिंग पावर कुव्वत खरीद का, वो तो जमीन आसमान का वहां ज्यादा कुव्वत खरीद है, यहां तो लोग बिलो पॉवर्टी जो है ना, पहले से उनकी लाइफ जो है ना अजीरन बनी हुई है। अच्छा, इन्होंने एक और ताना आपको दिया कि अपोजिशन की जितनी भी जमायतें हैं, मुस्लिम लीग नून का उन्होंने नाम लिया, वो एक पेज पे नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ काम करती रहती है। ये वाजे है कि पीडीएम एक इत्तेहाद जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिसकी बुनियाद रखी थी, सबको पता है मैरियट होटल की एपीसी में, उससे हम अलहदा हुए हैं और उससे हम आज भी अलहदा हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन कौमी असेंबली में है वो मुश्तरका है, शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बाकी जितनी जो जमाते कौमी असेंबली में मौजूद हैं वो सब ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के अंडर द अम्ब्रेला एज ऑपोजिशन लीडर खड़ी हैं। मैं पीडीएम की बात नहीं कर रही हूँ, पीडीएम में बिल्कुल हमारा इख्तलाफ हुआ, हम अलहदा हुए और वो सबको पता है कि इख्तलाफ किस बुनियाद पे हुआ था, वो आज भी हम उस बात पे कायम है, हम तहरीक अदन एतमाद चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चेयरमैन, और वो जरूर इस पे बात करेंगे। जी देखिए मंसूर साहब, होने जो चाहना है तो शहबाज शरीफ ना इशारा है, यानी पार्लियामेंट में हिकड़े पेज थे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, अपोजिशन जो बी पार्टी जो कहें हिकड़े पेज थे, बाकी पीडीएम सा उनके रिजर्वेशन सा इन ग्रीवेंसेस हैं, वो पीडीएम का जाहिरा तो अलग थी चुका है। मां अर्ज क्या पहले तो सादिया साहिबा जो कुछ चाहिए तो इमरान खान या डिमांड कंदो हो, इमरान खान जब इस्तीफा की डिमांड कई ही तो ओडी मल उन्हें चाहिए तो वोट चोर आयो है, न कि इन बुनियाद ते तो ताके अदद अक्सरियत कोने, ठीक है ना? एक मिनट जी जी जी, अददी अक्सरियत कोने या डिमांड नहीं, चोर का जो सो इस्तीफा ही भरी सकजे पई, असा के अददी अक्सरियत कोने, असा जो वोट चोरायो वो हो।
ठीक है ना, जिस तई यूसुफ रजा गिलानी जी कामयाबी जी थी गाल करे तो इन जी आदतन हमेशा वोट चोराइंदा आया जैसे तट अक्सरियत आए तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस छो ना आणियो मां तो जैसे मुख्य अज अपोजिशन में हुआ मां समझा तो मुख्य अदद की अक्सरियत आए तो मां बो ढी अचण ही न दें अज शाम जो ही जमा कराए छा हाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जॉइंट सेशन मुलतवी छो कर मुख्य खबर को पूरी तरह का हिकमत अमली होंगी या ना खुशफहमी है तो असि इतिहादी छे वह मुख्य तो असो इतिहादी तहे सिप में वेठे नजर ना आयो पैरों तो तहो ही तो चवान अपोजिशन आयो कड़ी हु क्लेम तो करे पीडीएम तहां ता चो इत्तहादी आयूं यो इत्तहाद जो नालो त रखबो को बार जमंदो आ उन जो नालो त रखबो नव सतारा नालो रखियो वियो आईजीआई नारो रख नालो रखियो पीडीएम नालो रखियो वियो ता बिना नाले जे अपोजिशन आयो जा तहां यो ता चो त बबत तहां के जेकने अक्सरियत आहे त मेहरबानी करे बियो डी अचन न जो जे बलूचिस्तान में उनन फील कियो अक्सरियत आहे तो उन्हें वो पहली वार्निंग देना वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वार्निंग देना उस तासां की अक्सरियत आए न तो आसान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने जा से तो अन्य डिमांड था क्यों तो इस्तीफा जो इस्तीफा मां मां समझा तो बुखे तो छक आए तो ये कड़ी कानून साज असेंबली की मेंबर आए जेके कानून है आईन की खबर ही कोने तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड आए मैंडेट पंजन सालन जो आए तो यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड आए तो असि अक्सरियत विन्याय वेठा हूं तो अस इस्तीफा दूँ इन में कॉन्स्टिट्यूशन में यो प्रोविजन आए आइन यो तो चे तो जैसे गवर्नमेंट पांजी अददी अक्सरियत विन्याय तो वो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने उनके हटाए वे तब असा तो समझू तो असा अक्सरियत आए तहां ख्वाबन जी दुनिया में था रहो पेरियो तो तहां पान में तय थियो तो तहां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आनी दो तो तहां प्राइम मिनिस्टर जो कैंडिडेट केरा तहां तहां इन वक्त अम्ब्रेला जे हिकड़े जो आयो शहबाज शरीफ तहां के शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर कबूल आए या बिलावल भुट्टो साहब कबूल आए या मौलाना साहब कबूल आए तहां पेरियो पान में तय कियो असां एक पेज ते आयो का मसलियत होंगी मां अज छे तो इजलास में को ना पार्लियामेंट्रियन आया तो मां तवा के खबर जा खबर सुबाने ताई अची वेंदी अस गवर्नर हाउस में तो छो मुल्क शहबाज शरीफ जो स्टेटमेंट दिनी है तो हुकूमत जो जॉइंट अपोजिशन जो इजलास मुलतवी किया या खुद हुकूमत की सब वही शिकस्त गाल है तो उन्हें बो कुछ तो है को ठीक है न गाल या है तो इनन में शिकस्त में गालहण में शिकस्त ये हवा में तीर हण कदें हवा के तां जख्मी थींदे डिठो है तीरन सा गाल है तो हवा में तीर न हणो जेकर ता में टपड़ आए ता में दम आए ता वट मेजॉरिटी अची चुकी है असा जा इतादी ता वट अची पया है ने उए दिसो ना असा जे इतादिन के वणण जो हक आए पर तां क्लेम कंदा आयो तो अस पीटीआई जा भी मेंबर आन तो गाल ये छांगा मांगा यो जो अस जो मानुन के खणण लिकाण बंद कर या सियासत खत्म थी वही है तो मेहरबानी करे तां घट में घट पीटीआई लाए क्लेम न कियो दुनिया की हिस्ट्री में कदें ये न थियो आए तो गवर्नमेंट जा पार्लियामेंटेंस अपोजिशन सा वनी वेन अपोजिशन जा अचे वरी भी वेंदा आन ए तां जा पंजाब में अचे सपोर्ट कियो प्रेसिडेंट इज देयर तो गाल ये है तो मेहरबानी करे तां वट कुछ कोने तां इंतजार कियो 2023 में अवामी फैसलो इंदो ए वरी थी सके तो वरी थी सके तो तां के 5 साल अगणा भी वजीर आजम इमरान खान के दिसणो पए सादिया जावेद साहिबा एपीएस का जो अफसोसनाक सानिया हुआ था आज अदालत ने वजीर आजम को भी तलब किया और वजीर आजम अदालत में भी गए और उन्होंने कहा कोई मुकदस गांव नहीं है अदालती हुकुम पर हम सब जो कल्पर्ट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कैसे देखती हैं इतने सालों के बाद जो एपीएस का
अफसोसनाक सानिया हुआ, उसकी जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कोई मुकदस गांव नहीं, हम कार्रवाई करेंगे। सर के एक अदद स्पोक्समैन जो के जिनको बात करने की भी तमीज नहीं है, उन्होंने ट्विटर के जरिए ये बताया है कि जी तमाम कैल्प्रेट्स को सजा भी हो चुकी है सिवाय एक के, और एहसान उल्ला एहसान भाग गया है हमारी कस्टडी से। तो क्योंकि जिस आदमी ने एक्सेप्ट किया था ना, मुझे और आपको याद है कि एपीएस का जो सानिया है वो एहसान उल्ला एहसान ने एक्सेप्ट किया था कि मैंने किया है, और उसके बाद वो भाग गया। केपीके में उस वक्त यही तब्दीली सरकार की हुकूमत थी, और मुझे और आपको शायद अच्छी तरह याद है टीवी में वो क्लिप्स चले थे जब इमरान खान और परवेज खटक गए थे और उनके वालदेन ने इनको भगा दिया था। उसी एपीएस की आड़ में वो जो नाम निहाद धन्ना किया गया था वो खत्म किया था इसने, और ये आज ये अदालत में ये फरमा रहे थे कि जी नेशनल एक्शन प्लान पे मैंने अमल दराम। आप तो कहते थे तालिबान के दफ्तर खोल दो, आप तो कहते थे उनको डायलॉग की टेबल पे बैठा दो, जो आज आप फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे हम उस सानिया को भूल सकते हैं। मुझे और शायद आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी जिन्होंने अपने जवानों को उठाया है, जिन्होंने अपने बच्चों को दफनाया है। आज ही वो बीबीसी में वो चल रहा था, बीबीसी के रिपोर्टर्स ने जो उनके पेरेंट्स से बात की है वो चल रहा है, और उनकी माँ बच्चों की कह रही कि हमें कोई हमें इमरान खान से कोई तवक्को नहीं है क्योंकि ये दहशतगर्दों से डायलॉग करने जा रहा है, जिसकी मेरी पार्टी ने भी मुखालफत की है। बहैसियत एक पाकिस्तानी मुसलमान के मैं भी उसकी मुखालफत करूंगी। कैसे उसको हम भूल सकते हैं, आप मुझे बताएं, जिन्होंने वो दफनाए हैं अपने छोटे छोटे बच्चे, क्या वो भूल जाएंगे और हम दहशत गर्दों को फिर बैठा लेंगे? वो ये इनका हमेशा से आवाज कह रहे थे, मतलब कोर्ट में झूठ बोला है प्राइम मिनिस्टर ने, जो सर्टिफाइड सादिक और अमीन है इस पाकिस्तान की अदालतों में, उसने झूठ बोला है कि जब परवेज मुशर्रफ वॉर और टेररिज्म में साथ दे रहा जा रहा था तो मैंने रोका था, मैंने मना किया था। सबको याद है, तारीख का हिस्सा है कि इमरान खान ने वॉर ऑन टेररिज्म जब अफगानिस्तान पे हमला हुआ था उस वक्त परवेज मुशर्रफ के साथ था इमरान खान, और परवेज मुशर्रफ को सपोर्ट किया था, रेफरेंडम को सपोर्ट किया था। तो आज कोर्ट को झूठ बोल के आया है वो, तो आप कैसे तवक्को करते हैं? और बिल्कुल कोई मुकद्दस गाय नहीं है, जो लोग हैं उसमें शरीक, जिनके खिलाफ रिपोर्ट आई है उनके खिलाफ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहना चाहिए, और देखते हैं इस गवर्नमेंट में कितना दम है कि ये कितनी कार्रवाई करती होंगे। जी मंसूर साहब, आज प्राइम मिनिस्टर कोर्ट में उनके तलब के हुए पेश थे हो, जी सादिया जावेद चौहत वजीर अजम कूड़ गालायो, परवेज मुशर्रफ के दौर में वॉर ऑन टेरर उनकी उन हिमायत कई, पर स्टेटमेंट आए अदालत आडो तो असंखे जो दहशतगर्दी खिलाफ जंग आ उनमें न्यूट्रल रहन खपंदो हो, असि गलती हुई किए दिसो ता अदालत जो आया तो इन वक्त इक्तदार में आयो जो कल्पर्ट्स हैं या जो मुतासिर खानदान हैं उनकी सहायता कई वजे। और पहले तो दिसो तो कोर्ट सगोरी जी हुक्म कियो तो प्राइम मिनिस्टर जो कोई ईगो न हो हाजिर थियो, ठीक है ना, जेके कोर्ट जो आर्डर होंदा उहे इम्प्लीमेंट किया वेंदा। मुशर्रफ जे ज़माने में जेको मुशर्रफ सां जेको उन साथ ॾिनो किन इशूज़ ते, ऐं उन में जॾहिं उन सां हुयो तॾहिं सलाह ॾिनी हुयईंसि त बाबा इहो ठीकु न आहे। हाणे ख़बर कोन्हे त इहो वाक़ियो बीबी ॿुधाईंदी त कंहिंजी हुकूमत में थियो आहे, इहो जेको पोईं हुकूमत में थियो हुयो, ठीकु आहे न, ऐं उन्हनि जेके बाक़ी माण्हू न पकड़िया आहिनि, प्राइम मिनिस्टर चयो तव्हां हुकुम जारी कयो असां उन ते अमल कंदासीं, कोई इख़्तिलाफ़ राय कोन्हे, मां उन्हनि जे अॻ में बि वालदेन सां वेठो हुउसि, इहे पाकिस्तान जा असां इन जे करे त 126 ॾींहनि जो धरणो ख़तमु कयोसीं, तव्हां वांगुरु को थोरी हुयासीं त असां पंहिंजो ईगो जो मसइलो तव्हांजे प्राइम मिनिस्टर खे घुराईंदा त टू मां कंदा आहियो। प्राइम मिनिस्टर घुरायो थोड़ी देर में हाजिर थियो,
असा चाहूं था कानून आइन की हुक्मरानी हो जैसा ज्याती थी आए उन के रिलीफ मिलन घुर्जे तवा तो दिसो ना पांजे एमपीएस जो हाल तो दिसो ता ये केंजा बच्चा ना है जेके ता मारियो आए ता जे एमपीएस ये केंजा बच्चा ना है केंजु न्याणी ना है ता उनन ते ता गालायो जिन दहशतगर्दन हमलो क्यों ता पेरु डिक्लेअर क्यों पांजे एमपीएस के दहशतगर्द जेको भी बेगुनाह मारिंदो के बेगुनाह के मारिंदो वो दहशतगर्द असा अज चयो आ असा अज भी चंदा जी सादिया सादिया ये नाज़िम जोखियो का जो केस है अब अब्दुल करीम जो जोखियो हैं एमएनए हैं पीपल्स पार्टी के वो भी नामजद हुए हैं एक एमपीए आपका जाम अवेस गिरफ्तार है ये अफसोसनाक सानिया था अब तक उनकी मेंबरशिप मुअत्तल क्यों नहीं की गई देखिए मेरी बात सुने मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टीज सस्पेंड नहीं करती मेरा जहां तक थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन को मेंबरशिप कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबली की पार्टी मेंबरशिप की बात कर रहा है बीबी पार्टी मेंबरशिप अच्छा पार्टी मेंबरशिप के लिए देखें चेयरमैन साहब इस्लामाबाद में हैं अगर पार्टी मेंबरशिप हो और कोर्ट में केस चल रहा है ना ये तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है ना पहले बिल्कुल उनके जो एमपीए था जाम अवैस उसके उसकी एफआईआर हुई उनके भाई का नाम नहीं था कल पुलिस ने शवाहिद मिले तो उनके बड़े भाई जाम करीम को भी वो किया ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कोर्ट में केस अंडर ट्रायल है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए हैं आप मुझे ये बताएं कि वो दाबड़ चला गया था तो उसको घर बुला के प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला के पुरसा किया था वो जो ब्लैकमेल नहीं होते वो जो ब्लैकमेल नहीं होते प्राइम मिनिस्टर वो क्वेटा हजारा वालों से वो जो है क्वेटा में हजारा वालों को स्कूल में बुला के पूछा किया था हमारा तो सीएम खुद चल के गया है उनके साथ बैठा है उनको कहा है कि जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे और वो कर रहे हैं यार अच्छा एहसानुल्ला एहसान भाग गया प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं चला उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अगर मैं ऐसे गिनवाऊं अच्छा फिर अभी ये फरमा रहे थे कि जी हम तो कातिल हैं हम तो दहशतगर्द हैं अच्छा जी चलो ठीक है आप तो दूध के धुले अमीन गंडापुर पे कत्ल का मुकदमा है वो रेलवे के जो वजीर हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का केस है अपना परवेज खटक साहब पे कितने मामलात हैं इवन इमरान खान साहब पे मुकदमात हैं तो ये जो हम तो चले जी भई चोर डाकू बकौल सेलेक्टेड वजीर आजम के ये जो दूध के धुले थे ये जो दूध के धुले लोग हैं इनके खिलाफ मुकदमे आपने देखा है ना वो जो नैब ऑर्डिनेंस आया है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाई गई है वाने सदर में उसमें उसके बाद परवेज खटक पर मुकदमा खत्म हुआ उसके बाद और किसका एक और मुकदमा खत्म हुआ हाँ वो क्यानी का जिसकी वजह से अद्वियात की कीमत आसमान को छू रही है तो ये तो जो दूध के धुले इनको भी तो हिसाब देना है ना और जो ये एहसान जता रहे ना कि आज वजीर आजम चले गए ये पहला वजीर आजम नहीं है पाकिस्तान का जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और वो चला गया यूसुफ रजा गिलानी भी गया था राजा परवेज अशरफ भी गया था नवाज शरीफ साहब भी गए थे तो ये कोई अनोखा काम नहीं हुआ है कि वो चले गए और वहां झूठ बोल के आए किसी को बताना चाहिए उस सुप्रीम कोर्ट को जाके कि वो जो झूठा जिसको झूठा सर्टिफिकेट दिया गया है सादिक और अमीन का इस सुप्रीम कोर्ट से वो झूठ बोल के गया है इस कोर्ट में ड्रोन हमले कौन करता था तो अब जो हो रहा है तो वो उसका जवाब दे ये है ना अभी तो अवाम हिसाब लेगी इन्होंने बहुत बातें की मैंने सब सुनी और बड़ी तसल्ली से सुनी लेकिन अब तो हिसाब देने का वक्त आया है और अदती अक्सरियत में अभी भी कह रही हूँ हाउस में नहीं है जब ही वो जो जिहाद का कल इजलास था वो मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि इत्तेहादी बेसाखियां लेके भाग गए शुक्रिया सादिया जावेद साहिबान आज़रीन ही देखो नंडो कमर्शियल ब्रेक वटुदा ब्रेक का वापसी थे प्रोग्राम के कंटिन्यू क्यों था
वेलकम बैक नाजरीन। जी नाजरीन, असांगे सीनियर तजिये निगार ए सीनियर सहाफी इफ्तिखार अहमद टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन किया है। इफ्तिखार अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इफ्तिखार अहमद साहब, आज एपीएस साने की जो कोर्ट में रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी तलब किया गया और इमरान खान का कहना है कि कोई भी मुकदस गाय नहीं है, हम अदालती हुक्म पर कार्रवाई करेंगे। इतना अरसा हो गया है एपीएस साने का और जो मुतासरीन है वो चीख पुकार कर रहे हैं, डिमांड्स करते रहे हैं, लेकिन आज तक उनका मदावा नहीं हुआ। और उस साने के पीछे क्या मकासद थे वो भी पूरी कौम जो है अब तक बेखबर है। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कोई मुकदस गाय नहीं है, अदालती हुक्म पर हम कार्रवाई करेंगे, क्या कहेंगे इस पे? मैं इसे कहूंगा कि इससे दिखावे की वो बात कर रहे हैं। उन्हें बतौर प्राइम मिनिस्टर अच्छे तौर पे इलम होना चाहिए था कि वो फैसला क्या है, जो उनके कमीशन की जो रिपोर्ट है वो क्या है, उनके इलम में उनकी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर उनके इलम में ये नहीं थी तो सोचनाक सूरत-ए-हाल है। और अगर उनके इलम में ये भी नहीं कहा कि लवाइकीन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त दी है उसमें उन्होंने मुतालबा क्या किया, तो अगर इसका उनको इलम नहीं है तो फिर मुझे अफसोस है, फिर वो मुकदस गाय वाली बात है, ऐसे दिखावे की बात है ना कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पेश हुए थे अदालत में, तो आम आदमी तो नहीं चला जाएगा। इफ्तिखार अहमद साहब, प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना है कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी उसमें हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था, लेकिन जब परवेज मुशर्रफ के दौर में ये शुरू हुई थी तो आपको याद होगा इमरान खान ने उसकी हिमायत की थी, और आज वो अदालत के सामने ये कह रहे हैं कि उस जंग में हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। इमरान खान साहब अपने मौकफ को तब्दील करने के अब बाहर साबित हो चुके हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं इसलिए उस ओहदे का एहतराम करते हुए और लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इफ्तिखार साहब, आप कैसे देखते हैं, खुद आपका तजिया क्या है, ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें हमने बहुत सी जानें गंवाई हैं, मासूम बच्चे, यहां तक के पीएस का सानिया हमारे सामने है, आज तक वो चीखो पुकार जो है वो बंद नहीं हुई, ये कब तक होता रहेगा? क्या आप समझते हैं कि जब तक फॉरेन जो हमारी पॉलिसी है उसमें शिफ्ट नहीं आता, इस तरह के जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है जो बाहर से हमारे ऊपर मुसलत की जाती है उसमें हमने कितना लॉस किया है, ये कब तक होता रहेगा? आपको किसने कहा था कि आप अमेरिका की जंग जाके लड़ें रूस के खिलाफ? जो अफगानिस्तान में आपने रूसियों को निकालने की जंग लड़ी वो आपकी जंग तो नहीं थी, और ना ही रूसी आपके इलाके में दाखिल हुए थे, और ना ही वो आपके इलाके में दाखिल होने के लिए आपके बॉर्डर्स की तरफ रवा दवा थे कि आपने उनके खिलाफ एक ऐसी जंग का आगाज कर दिया। जो सारी की सारी जंग पेशावर में बैठे हुए जो उनके लीडरान थे वो लड़ रहे थे, तो फिर नतीजे में तो ये सब कुछ आपको इनाम के तौर पर मिले ना। आप अच्छे और बुरे तालिबान के चक्कर में पड़ गए, आप अच्छे मुजाहिद और बुरे मुजाहिद के चक्कर में पड़ गए, आपको शौक आ गया कि आपने पूरी दुनिया का इस्लामी जो दुनिया है वहां के लोगों को लाके उनकी मेहमान नवाजी करनी है, तो उसके नतीजे में तो फिर यही हुआ ना। और आप देखें ना, ISPR ने अभी एक हमारी याददाश्त को जिंदा करने के लिए अभी उनका ट्विटर पर मैं ट्वीट देखा था, उन्होंने बताया नहीं कि हमने तो उन लोगों में से इतने लोगों को सजाए मौत दे दी है, एक की सजाए मौत रह गई है, वो सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा है और बाकी ठीक है। मामला ये है कि मेरे दोस्त, ये जो बातें हैं ना कि हम अपना मुकदस गाय नहीं है और मैं कानून की हुक्मरानी में बिलीव करता हूँ, आप हुक्म करें हम एक्शन लेंगे, मतलब ये बातें सब करने की हैं। हकीकत यह है कि हमने अब जो फैसला किया है, हेलो जी 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 आप कंटिन्यू करें, हमने जो आप फैसला किया है तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ और जो फैसला हम कर रहे हैं अपना तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, मुझे बताएं उसकी बुनियाद क्या है। मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो फोर्स है जिसके खिलाफ मेरी अफवाज साल हा साल लड़ी है, और मेरी अफवाज ने 80,000 लोगों की तो कुर्बानी हमारी है ना, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों की, फौजियों की, जनरलों की, कर्नल्स की, लेफ्टिनेंट कर्नल्स की, मेजर्स की, नॉन कमीशन ऑफिसर्स की जो कुर्बानी है, क्या वो हकीकत नहीं है? क्या ये जंग लड़ी नहीं गई? क्या ये वायद वो जंग नहीं है जो पाकिस्तान की फौज ने अपने हदूद के अंदर भी लड़ी?
ये देखे ना, मसलक की खातर इस किस्म के वायदे करना ये अफसोसनाक है। जी मंसूर साहब, लास्ट असा प्रोग्राम खत्म क्यों था? इफ्तिखार साहब जो के चयो जेकी रूस के खिलाफ जंग ही अमेरिका या प्राइम मिनिस्टर खुद चई रहा था असा न्यूट्रल रहन खपंदो। दिसो प्राइम मिनिस्टर साहब पेरो दफो न चयो मुख्तलिफ वक्तन ते यो इजहार कंदो आयो आए ए वो उन जी ख्वाहिश ही त असा न्यूट्रल रहन गुर्जे ए जेकने न्यूट्रल रहूं आ त ही नतीजा न भोगियो हा। बाकी जेके तां दिसो त दहशतगर्दन सा जंग असा पांजे मुल्क में भी बढ़ंदा रहया है, जेमे साईं मिसाल बुधायो तो असान जा सिपाही खां वठी जनरल ताईं जेको आ सो कुर्बानी दिनियूं हिन ए उहा जंग असां खटी आहे। अॼु मुल्क में अमन आहे, ठीकु आहे न? ऐं जॾहिं बि तव्हां ॾिसो त दुश्मन सां जंग वढ़णु सवली हूंदी आहे, पंहिंजे सां जंग वढ़णु ॾुखी हूंदी आहे। ऐं उन में बि असांखे अलाह फतह ॾिनी ऐं अॼु असां मुल्क में कहिड़े बि हिसे में दहशतगर्दी। असांजो हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी खे पहुतो। इफ्तिखार अहमद साहब तव्हांजी महिरबानी, तव्हां असांखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन कयो। ऐं मंसूर साहब तव्हांजी महिरबानी, सादिया जावेद पीपल्स पार्टी जी MP असांखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन कयो। संदसि बि महिरबानी। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम में वरी कंहिं ॿिए उनवान सां हाज़िर थींदासीं। तेसि ताईं ॾींदा इजाज़त। अलाह वाही।